कटरीना फिर आएंगे साथ। क्यों रह गया था आमिर खान का पहला प्यार अधूरा। फरहान श्रद्धा किस प्रोजेक्ट में फिर दिखेंगे साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने किसे कर दिया खफा। क्या टाइगर दिशा की रिलेशनशिप को मिला फैमिली का अप्रूवल। रणबीर कपूर और कैटरीना के ब्रेकअप से इन दोनों के फैंस को लगा था शॉक, लेकिन अब हम लेकर आए हैं एक खुशखबरी। ये दोनों फिर से आ सकते हैं साथ, क्यों और कैसे यहाँ देखिए। क्या ब्रेकअप के बाद भी कैटरीना और रणबीर कपूर फिर दिखाई देंगे साथ। क्या कैटरीना और रणबीर करेंगे साथ में काम। 2010 में आई सुपरहिट फिल्म राजनीति ने कैटरीना के करियर को एक नई ऊंचाई दे दी थी। इस फिल्म ने कैटरीना को अच्छे एक्ट्रेस की लीग में लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके लिए दर्शकों से लेकर इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की थी। वहीं इस फिल्म में कैट और उनके एक्स बो रणबीर की हॉट केमिस्ट्री को भी व्यूअर्स ने फुल ऑन रिस्पॉन्स दिया था। हालांकि अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, वहीं पिछले काफी वक्त से राजनीति 2 को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू आर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, अब फाइनली प्रकाश झा ने राजनीति 2 को बनाने का फैसला ले लिया है। प्रकाश झा की पिछली कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस नहीं किया है, जिसके चलते अब प्रकाश ने इस प्रोजेक्ट को जल्द शुरू करने की जिम्मेदारी उठा ली है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि कैटरीना कैफ प्रकाश झा की फर्स्ट चॉइस हैं, और अगर डेट्स वर्कआउट हो जाती हैं तो कैटरीना होंगी फिल्म की फर्स्ट स्टार। वहीं अभी रणबीर को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। वैसे राजनीति के पहले पार्ट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म भी सक्सेस की गारंटी साबित हो सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म में कैटरीना और रणबीर साथ आते हैं या नहीं। प्रज्योति सिंह, जूम, मुंबई। कभी अपने अफेयर के किस्सों की वजह से न्यूज में रहे श्रद्धा और फरहान एक बार फिर से हैं सुर्खियों में। दोनों एक बार फिर से दिखाई देंगे एक साथ। लेट्स फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स हियर। कभी अपने अलेजेड रिलेशनशिप के लिए न्यूज में आए श्रद्धा कपूर और फरहान होंगे आमने सामने। क्या श्रद्धा और फरहान दिखेंगे फिर एक साथ। अपने ऑन एंड ऑफ होते अलेजेड रिलेशनशिप की खबरों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर एक बार फिर साथ काम करते हुए देखे जा सकते हैं। श्रद्धा कपूर और फरहान के बीच फिर से दोस्ती हो गई है, ये तो हाल ही में पता चल गया जब श्रद्धा कपूर ने फरहान अख्तर को बर्थडे विश किया। यहाँ तक कि श्रद्धा ने लंबे वक्त के बाद फरहान के पिक्स भी लाइक किए। अकॉर्डिंग टू आर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, इन दोनों को फिर ऑफर आया है एक साथ काम करने का, लेकिन इस बार ये ऑफर फिल्म के लिए नहीं बल्कि वेब सीरीज के लिए है। जहाँ पहले ही फरहान वेब सीरीज प्रोड्यूस कर चुके हैं, वही अब उन्हें एक्टिंग के आ रहे हैं ऑफर, जिसके फीमेल लीड के लिए मेकर्स की श्रद्धा पहली पसंद हैं। बताया जा रहा है कि वेब सीरीज थ्रिलर है जिसमें फुल ऑन ड्रामा होगा। अपेरेंटली अभी श्रद्धा अपने फिल्म प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं, बट इस सीरीज के बनने में भी अभी वक्त है। ऐसे में अगर दोनों के डेट्स फाइनल होते हैं तो दोनों एक साथ फिर दिखेंगे। अब श्रद्धा फरहान अगर साथ आए तो इनके फैंस को एक बार फिर इनकी हॉट केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। वहीं शो को लेकर बज खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। प्रज्योति सिंह, जूम, मुंबई। लगता है आलिया से ब्रेकअप के बाद सिद्धार्थ की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब उन्होंने अपनी ही फिल्म अय्यारी के डायरेक्टर नीरज पांडे को कर दिया है खफा। आखिर सिद्धार्थ के किस हरकत से नीरज हुए नाराज। क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा से नाराज हैं डायरेक्टर नीरज पांडे।
आखिर क्यों हुए सिद्धार्थ से उनकी फिल्म के डायरेक्टर नाराज? आज रिलीज हो रही मोस्ट अवेटेड फिल्म अय्यारे के स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फिल्मी ब्रदर अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन का जमकर किया है प्रमोशन। सिद्धार्थ ने पैडमैन चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए पैड के साथ पिक्चर भी सोशल मीडिया पर की शेयर। जब भी अक्षय की फिल्म के प्रमोशन की बात आई, सिड ने दिया अक्षय का पूरा साथ। अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्लूसिव सोर्सेज, सिद्धार्थ के इस तरह से अक्षय की फिल्म को प्रमोट करना अब अय्यारे के डायरेक्टर नीरज पांडे को नहीं आ रहा है रास। अपेरेंटली पिछले कुछ वक्त से नीरज और अक्षय के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्टेडली स्पेशल 26 और बेबी जैसी हिट फिल्म देने वाले अक्षय और नीरज की जोड़ी में डिफरेंसेस तब आए जब नीरज की प्रपोज्ड फिल्म क्रैक की वजह से अक्षय और उनमें फाइनेंशियल डिफरेंसेस आ गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ये फिल्म ही शेल्फ कर दी गई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके बाद से दोनों के बीच में बातचीत भी बंद होने की खबरें हैं। इसके बाद तो ये तक कहा जा रहा था कि नीरज पांडे डेलिबरेटली पैडमैन से अय्यारे की बॉक्स ऑफिस क्लैश करवाना चाहते थे, लेकिन अय्यारे की रिलीज डेट आगे बढ़ गई और ऐसा हो न सका। लेकिन अब सिड का अक्षय की फिल्म को प्रमोट करने का कदम अपेरेंटली नीरज को पसंद नहीं आया है। Well, अब देखना ये होगा कि क्या सिद्धार्थ अपने डायरेक्टर को मना पाते हैं या नहीं। प्रज्योति सिंह, जूम, मुंबई। करण जौहर ने अपने बी टाउन के दोस्तों के लिए थ्रो की पार्टी। इस स्टार स्टडेड पार्टी का थीम रहा सबसे ज्यादा चर्चा में। करण की पार्टी क्यों है न्यूज में, लेट्स फाइंड आउट हियर। करण जौहर ने फिर थ्रो की एक लैविश पार्टी, पर ये पार्टी थी ओनली फॉर सिंगल्स। फिल्म मेकर करण जौहर फेमस है बी टाउन में अपनी ग्रैंड पार्टीज के लिए। पिछले दिनों अपने ट्विंस यश और रूही के फर्स्ट बर्थडे पार्टी होस्ट करने के बाद अब करण ने थ्रो किया सिंगल्स ओनली वैलेंटाइंस डे बैश, जिसे अटेंड किया एकता कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, फरहान अख्तर, आदित्य रॉय कपूर, सूरज पंचोली, आथिया शेट्टी, मनीष मल्होत्रा, सिंगल पेरेंट तुषार कपूर, सुजैन खान, निमृत कौर, जैकी भगनानी जैसे कई और सेलेब्स ने। रिपोर्टेडली इसी तरह की एक पार्टी में करण ने इंट्रोड्यूस करवाया था विद्या बालन और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर को, और अब दोनों हैं हैप्पीली मैरिड। जबकि इससे पहले करण क्यूपिड बने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के लिए, क्योंकि करण की ही एक पार्टी में हुई थी ऐश्वर्या और अभिषेक की मुलाकात और फिर शुरू हुई इनकी लव स्टोरी। तो जहां करण की इस पार्टी से ये हिंट तो मिल गया कि कौन से बी टाउन सेलेब्स हैं सिंगल, लेट्स सी अब करण किस नए सेलिब्रिटी कपल के लव स्टोरी में प्ले करेंगे क्यूपिड का रोल। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बी टाउन की एक्ट्रेसेस में अक्सर कैटफाइट की खबरें आती रहती है। अब ऋचा चड्ढा और अदिति राव हैदरी में तनातनी की न्यूज ने बस क्रिएट कर दिया है। आखिर क्या है इनके बीच कैटफाइट की वजह? दासदेव एक्ट्रेस अदिति राव हायाद्री और ऋचा चड्ढा के बीच सब कुछ नहीं है ठीक। दासदेव के ट्रेलर लॉन्च पर ऋचा और अदिति की अनबन का मिला एक और प्रूफ। दासदेव ट्रेलर लॉन्च पर साफ नजर आई ऋचा और अदिति की कोल्ड वॉर। रिसेंटली दासदेव के ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च पर ऋचा चड्ढा और अदिति राव हायाद्री के बीच चल रही कोल्ड वॉर की न्यूज को किया गया था डिनाई। पर दास देव के ट्रेलर लॉन्च पर फिल्म की दोनों ही एक्ट्रेसेस ने बना रखी थी एक दूसरे से दूरी। रिपोर्टेडली दोनों इस इवेंट पर ना ही आपस में इंटरैक्ट करती हुई नजर आई और ना ही दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा देर तक खड़े होना भी मुनासिब समझा।
आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आई थी कि आदिति और ऋचा नहीं कर रही हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन, और सोर्सेस की माने तो दोनों एक्टर्स के बीच तब से बातचीत बंद हुई जब फिल्म की टीम डिस्कस कर रही थी दास देव के लिए प्रमोशनल स्ट्रेटजी। लेकिन डिफरेंट ओपिनियंस की वजह से ऋचा और आदिति के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना और आमना सामना करना कर दिया बंद। वैसे ये ट्रेलर लॉन्च रहा काफी स्पेशल, क्योंकि सुधीर मिश्रा के इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री से करीब 25 डायरेक्टर्स, और इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक थे सारा अली खान और सुशांत सिंह की फिल्म केदारनाथ को डायरेक्ट करने वाले अभिषेक कपूर। जहां पिछले दिनों क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से अभिषेक और केदारनाथ के प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म को कर दिया है होल्ड, वहीं खबर है कि केदारनाथ के प्रोड्यूसर्स अभिषेक कपूर के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की भी कर रहे हैं प्लानिंग। पर इससे पहले मीडिया इन रिपोर्ट्स पर अभिषेक से कुछ बात कर पाती, अभिषेक ने मीडिया के सामने ना आने में ही भलाई समझी, और रिपोर्टेडली जब ये इवेंट खत्म हुआ तो मीडिया के उन तक पहुंचने से पहले ही वो हो गए बैकडोर से नदारद। फनिकिता वधावन, जूम, मुंबई। न्यूबी जानवी कपूर की फर्स्ट फिल्म धड़क अभी रिलीज भी नहीं हुई है और अभी से वो है न्यूज में, लेकिन अब जानवी की एक हरकत से हो सकते हैं उनके मेंटर करण जौहर नाराज। क्या जानवी कपूर को नहीं है अपने मेंटर करण जौहर पर भरोसा? क्या जानवी करने जा रही है दूसरे प्रोडक्शन हाउस की फिल्में? जानवी कपूर ईशान खट्टर के साथ जुलाई में बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। फिल्म की रिलीज से पहले ही ये फिल्म और जानवी ईशान सुर्खियों में हैं। दोनों की रील और रियल लाइफ केमिस्ट्री पर खूब चर्चा हो रही है। वैसे ईशान की तो ये दूसरी फिल्म होगी, पर जानवी की फर्स्ट फिल्म है, और उसके बाद जानवी ने अभी तक किसी भी फिल्म को ऑफिशियली साइन नहीं किया है। पर हमें सोर्सेज ने एक्सक्लूसिवली बताया है कि जानवी की दूसरी फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के साथ नहीं होगी। वैसे तो धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जानवी ने 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसी के चलते सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी सेकंड फिल्म भी धर्मा के साथ ही करेंगी, पर सोर्सेज ने हमें बताया है कि उनकी दूसरी फिल्म को लेकर अभी तक कुछ भी सर्टन नहीं है, इसीलिए उन्होंने धर्मा के अलावा भी स्क्रिप्ट रीड करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखना यह है कि वो दूसरी फिल्म आखिर कौन सी साइन करती हैं, और उनके फैसले से करण और उनके इक्वेशन पर पड़ता है कैसा असर। फसंदेश अगाटे, जूम, मुंबई। सलमान को किस शो के एक एपिसोड के लिए मिले 4 करोड़ रुपए? मिस वर्ल्ड मानुषी शेलर का कहां दिखा हॉट स्विमसूट अवतार? ऑल दिस एंड मोर कमिंग अप इन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। This is it for now. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.